हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वार मोटो राइड। तो आज का वीडियो नाला है होंडा SP 125 BS6 2022 मॉडल का रिव्यू। ऑलरेडी हमने ब्लैक कलर का रिव्यू कर दिया है, तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं SP 125 के लुक्स की। तो फ्रंट प्रोफाइल बहुत स्ट्राइकिंग और बहुत अट्रैक्टिव लगती है, फ्रंट से बहुत अच्छी लगती है। हेडलाइट को देखते हैं तो, और यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड मडगार्ड देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल चेकआउट करो एक बार, साइड प्रोफाइल भी आपको बहुत स्पोर्टी लगती है। 125 सीसी में आपको वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक देखने को मिलती है अगर कम्यूटर सेगमेंट में देखते हैं तो। थोड़ी बहुत स्पोर्टी आती है, साइड प्रोफाइल बहुत अच्छी आती है। SP 125 की यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको 3D में होंडा की बैजिंग देखने को मिलती है काउल पर, मतलब जो काउल आता है इसके श्राउड्स निकलते हैं उस पर। और SP 125 जहाँ लिखा है यहाँ पर नंबर प्लेट आ जाती है, और यहाँ पर आपको हेडलाइट देखने को मिलती है प्रॉपर, होंडा की बैजिंग यहाँ आ जाती है, इंडिकेटर्स ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं। रियर प्रोफाइल जरा दिखाने में मुश्किल होगी लेकिन आपको दिखा ही देता हूँ मैं। रियर प्रोफाइल भी आपको बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिल जाती है इस बाइक की। और यहाँ पर साड़ी गार्ड भी प्रॉपर आते हैं रेड कलर में, आपको शॉक ऑब्जर्वर्स देखने को मिलते हैं। और इंजन का लुक देखो, मैट ब्लैक कलर देखने को मिलता है। यहाँ पर अभी इंजन गार्ड लगाया गया नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, बाइक अभी बिकने को है इसलिए इंजन गार्ड यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको साइड प्रोफाइल पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्रोम की ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर साइलेंसर कवर पर, तो आपको प्रॉपर लुक्स देखने को मिल जाते हैं। 125 सीसी में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक है अगर कम्यूटर सेगमेंट में देखते हैं तब। अब बात कर लेते हैं डैशबोर्ड की। तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भरपूर मिलती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, और यहाँ पर बटन्स मिलते हैं सेट, और यहाँ पर सिलेक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं एवरेज बताती है ये बाइक, लाइव माइलेज बताती है, ओडोमीटर आता है ट्रिप ए ट्रिप बी, और यहाँ पर KMPL बता रहा है जो कि लाइव माइलेज कहते हैं। न्यूट्रल लाइट, इकोनॉमी मोड में चलेगी तो ये लाइट जलती रहेगी, ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो इकोनॉमी मोड बंद हो जाएगा, स्पोर्ट मोड में चलने लगेगी बाइक। तो सेट और मतलब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भरपूर मिल जाती है आपको। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिलता है जो कि 125 सीसी कैटेगरी में बहुत सारे बाइक में देखने को नहीं मिलता, इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच का देखने को मिलता है, लाइट जैसे कि आप देख सकते हैं लो बीम हाई बीम इंडिकेटर यहाँ पर आता है, इंजन चेक लाइट बताती है, और इसमें साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आता है, जैसे कि मैं साइड स्टैंड लगाकर बताता हूँ आपको, साइड स्टैंड इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भरपूर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल में सिर्फ टैकोमीटर नहीं आता, सब कुछ देखने को मिल जाता है। बटन्स की बात करो तो राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच और इसी के नीचे सेल्फ स्टार्ट वाला बटन, मतलब इसमें ही आता है सेल्फ स्टार्ट वाला बटन। रियर व्यू मिरर आपको प्रॉपर मिलते हैं राइट साइड में, सिर्फ इतना ही मिलता है आपको। लेफ्ट साइड की बात करो तो लेफ्ट साइड आपको प्रॉपर बता दूं, यहाँ पर आपको पासिंग स्विच देखने को मिलता है, इसी में लो बीम हाई बीम स्विच, और यह है इंडिकेटर वाला बटन, और यह हॉर्न वाला बटन। आपको हॉर्न आपको नॉर्मल मिलता है एक्टिवा जैसा ही देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैप आपको ऐसी देखने को मिलती है आपको, यहाँ पर आपको एल्युमिनियम की फ्यूल टैंक कैप देखने को मिलती है। 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है इस बाइक से, तो टैंक कैपेसिटी बहुत अच्छी मिलती है अगर अपन माइलेज को देखते हैं तब। सीट आपको प्रॉपर मिलती है, 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है, राइडर प्लस पिलियन आपको कंफर्टेबिलिटी दोनों जगह मिल जाती है, प्रॉपर ग्रैब रेल आते हैं पकड़ने के लिए, तो आपको सीट कंफर्टेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है। बहुत अपराइट पोजीशन वाली बाइक आती है तो आपको राइडर ट्रायंगल भी आपको बहुत अच्छा मिलता है, अपराइट पोजीशन मिलती है राइड करते समय आपको। आ जाते हैं फ्रंट पर, यहाँ पर फ्रंट में आपको विंडशील्ड मिल जाती है, होंडा की बैजिंग आती है उस पर, LED हेडलाइट, हैलोजन वाले इंडिकेटर्स, इसके नीचे बॉडी कलर्ड मडगार्ड, टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन फ्रंट में आते हैं, 130 mm वाला आपको ड्रम ब्रेक मिलता है विद CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, और यहाँ पर अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं आपको 18 इंच के, 80 mm का वाइडनेस के साथ आता है टायर, और इसमें आपको 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है जो कि अलग डिज़ाइन के साथ आता है। सभी बाइक के अलॉय व्हील के डिज़ाइन आपको सेम देखने को नहीं मिलते, इस जैसे तो नहीं आते। रियर की बात करूँ तो रियर में आपको प्रॉपर ग्रैब रेल आते हैं, हैलोजन वाली टेल लाइट देखने को मिलती है, हैलोजन वाले इंडिकेटर्स आते हैं, यहाँ पर साड़ी गार्ड आता है प्रॉपर, और ट्विन शॉक ऑब्जर्वर्स रियर में देखने को मिलते हैं जो कि 5x एडजस्टेबिलिटी के साथ आते हैं, प्लास्टिक या फिर फाइबर के यहाँ पर आपको चेन कवर देखने को मिलते हैं वेट रिडक्शन के लिए। रियर टायर प्रोफाइल आपको सेम मिलती है 80/18 इंच का अलॉय व्हील रियर में भी देखने को मिल जाता है आपको। और रियर में आपको 130 mm वाला ड्रम ब्रेक मिलता है, और यहाँ पर आपको क्रोम की ट्रीटमेंट इस पर देखने को मिल जाती है साइलेंसर गार्ड पर, साइलेंसर कवर कहते हैं, क्रोम प्लस मैट ब्लैक कलर की फिनिश देखने को मिलती है इस पर, तो वो सब लोग आपको इन्हांसमेंट देखने को मिलते हैं। फुट पैक ऐसा आता है रियर का, फ्रंट वाला ऐसा आता है, रियर ब्रेक ऐसा आता है, किक भी देखने को मिलता है इस बाइक में आपको, और सेल्फ स्टार्ट भी आता है, तो ये सब आपको दिक्कत नहीं देंगी। अगर बैटरी ख़राब भी हो जाती है तो आपको किक ऑप्शनल देखने को मिल जाता है इस बाइक में। यहाँ पर कैटलेटिक कन्वर्टर आता है, BS6 बाइक है तो आपको कैटलेटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है इस बाइक में। और रियर में प्रॉपर मडगार्ड दिए जाते हैं तो वो सब आपको दिक्कत नहीं देगी, अगर मानसून के सीज़न में राइड करते हैं तो आपको ज़्यादा आपके ऊपर कीचड़ नहीं उड़ेगा इस बाइक से, तो वो सब आपको दिक्कत नहीं आएगी इस बाइक में।
अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको इंजन मिलता है होंडा वाला 123.9 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 10.8 PS की मिलती है और इसका मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिलता है 10.9 न्यूटन मीटर का। और इस बाइक में आपको टॉप स्पीड 100 किलोमीटर के ऊपर देखने को मिलते हैं विद 5 स्पीड गियरबॉक्स। और इसमें आपको दो लीवर्स मिलते हैं, आपको सामने भी मिलता है पीछे भी मिलता है, इजी टू राइड होगी। अगर बिगिनर कोई राइड करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। माइलेज आपको 60 से 65 KMPL का देखने को मिलता है इस बाइक से। माइलेज भी आपको वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलता है और होंडा का इंजन है तो वन ऑफ द स्मूदेस्ट इंजन देखने को मिलता है। इनिशियल पावर बहुत अच्छी मिलती है, मैंने टेस्ट राइड रिव्यू भी किया था, वो चेकआउट कर सकते हैं, बाइक चलने में कैसी है वो सब बताया। सस्पेंशन सेटअप सॉफ्टर साइड है और यहाँ पर आपको इंजन की जो रिफाइनमेंट लेवल्स है बहुत अच्छी देखने को मिलते हैं। फ्यूल इंजेक्शन के साथ और ज्यादा स्मूथ हो जाता है इसका इंजन। और आपको साइड स्टैंड भी मिलता है, मेन स्टैंड भी आता है। तो साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है, सेफ्टी फीचर आ जाता है, जो साइड स्टैंड लगा के बाइक चलाते हैं उनके लिए सेफ्टी फीचर हो जाता है। ये 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, सफिशियंट रहती है ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm वाली। आप आराम से चला सकते हैं गड्ढे वाले रास्तों पर भी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं देगी ये बाइक आपको। और बाइक का ओवरऑल वेट बहुत अमेजिंग है, 116 किलोग्राम का इसका वेट आता है। बहुत सारे बाइक जो है 125 cc है, लेकिन आपको माइलेज अच्छा मिलता है इस बाइक में और वेट सबसे ज़्यादा दूसरे बाइक्स में आता है। इसका वेट बहुत कम रहने की वजह से माइलेज बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो आपको अंजलि होंडा उदगीर में SP125 के ऑनर प्राइस देखने को मिलती है 104,300 रुपये। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। तो SP125 125 cc में कम्यूटर बाइक को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है, 104,000 रुपये इसकी प्राइस देखने को मिलती है। अगर अपन रेडर से या फिर NS125 से कंपेयर करें, उसमें थोड़ी बहुत पावर मिलती है ज़्यादा, फीचर्स तो आपको सिमिलर मिलते हैं NS में, NS की तो 130,000 है। 25,000 देकर वो लेना बेवकूफ़ी हो जाती है। ये बाइक आपको होंडा की मिलती है तो सर्विस कॉस्ट की कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और उसके अलावा स्मूथनेस इसकी ज़्यादा आती है NS125 के कंपैरिजन में। पावर भी आपको अच्छी देखने को मिलती है, 100 के ऊपर टॉप स्पीड जाती है तो आप समझ सकते हैं इसकी पावर अच्छी देखने को मिलती है। NS125 से कंपेयर करते हैं तो आपको फीचर्स इसमें अभी ज़्यादा देखने को मिलते हैं NS125 के कंपैरिजन में। लुक उसका अच्छा आता है लेकिन स्पोर्टी साइड है, और कम्यूटर बाइक है तो आप फैमिली बाइक भी कर सकते हैं इसको। तो मेरे तरफ से जिसको फैमिली बाइक और थोड़ी बहुत स्पोर्टी होनी चाहिए तो उसके लिए SP125 वन ऑफ द बेस्ट है, और कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने SP125 लिए, कॉलेज स्टूडेंट ने, तो उसको माइलेज भी बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए वो सेटिस्फाइड है इस बाइक से। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP125 BS6 2022 मॉडल का रिव्यू दे दिया। आपको कैसी लगी बाइक आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।